नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज चर्चा आजम पर AIMIM की हमदर्दी क्या सियासी है। रामपुर उपचुनाव में सपा को झटका लगा है, लेकिन आजम खान के लिए ये झटका उससे भी बड़ा है। आजम पहले ही रामपुर लोकसभा की सीट गंवा चुके हैं और अब चार दशक से उनके कब्जे में रही रामपुर विधानसभा की सीट भी जा चुकी है। आसिम राजा की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सपा आलाकमान खासकर अखिलेश यादव को हार का जिम्मेदार ठहराया है। शौकत अली का कहना है कि आजम खान के करीबी आसिम राजा को जानबूझकर हराया गया है। आसिम राजा को हराने के लिए सपा खुद बैकफुट पर आई है और अब इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है ये तो शौकत अली ही जाने। लेकिन हाँ, इससे एक नई बहस छुड़ गई है कि क्या वाकई आजम के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी के लिए सपा के नेता ही जिम्मेदार। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आजम का गढ़, योगी का विजय पथ। रामपुर को मिला पहला हिंदू विधायक। आजम खेमे में मायूसी के बादल। सपा की हार, AIMIM का वार। रामपुर में मिली हार को समाजवादी पार्टी लंबे अरसे तक भुला नहीं पाएगी। करीब चार दशक तक आजम खान का गढ़ रहा रामपुर पहली बार भगवा में हुआ है। आजादी के बाद पहली बार रामपुर में कोई हिंदू प्रत्याशी जीता है, लेकिन इस जीत से जितनी तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है, शायद उतनी ही तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हो रही है। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की थोड़ी है। मुसलमानों के वोटों से ना बीजेपी जीतती है, ना मुसलमानों के वोटों से बीजेपी हारती है। AIMIM की यूपी इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने आसिम रजा की हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर फोड़ा है। बीजेपी की जीत पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए शौकत अली ने कहा, आसिम रजा की हार में उनको बगावत की बू आती है। आसिम रजा की हार से नाराज शौकत अली ने सपा विधायकों की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए हैं। और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े 100 से ज्यादा MLA ये लोग क्यों खामोश बैठे रह गए? तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आसिम राजा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खुद बैकफुट पे चली तो नहीं गई थी। शौकत अली से पहले AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने भी हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा था। साथ ही अखिलेश पर आसिम और आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया था। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि आसिम रजा और आजम खान के लिए AIMIM की हमदर्दी सियासत में नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।